तो आज की मुरली है, डेट है 4 नवंबर 2001, मीन्स आज के बराबर आज 3/11/2021 है, और मुरली 4 नवंबर को चली है। तो एग्जैक्टली 20 ईयर्स बिफोर दिवाली के समय पर ही मुरली चली है। मुरली का टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की रित्ति दृष्टि और कृति को कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकी लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं, तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है, कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है पूछ रहे बाबा? नहीं, सबसे दूर दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान ले सकता है, सहज मिलेगा, लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। दिल शिकस्त नहीं होना है, वरदान प्राप्त है। सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो, यह मुश्किल है? तो बच्चे कहते हैं सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी को समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया? बाबा पूछ रहे हैं, निकल तो नहीं जाएगा? अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी को समाया हुआ है, तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नयनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो साहेब राजी है? आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? कितने परसेंट राजी है? तो बच्चों ने, कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। आफरीन है, बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझकर
करने वाले, चलने वाले और हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, रीति में भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाबा को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूह रूहान में कहते हैं, बाप दादा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं, तो बाप दादा भी मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए, तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं, करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अब भी होना है और डरते तो नहीं हो ना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार के संसार परिवर्तन का। पक्का है ना? मनाया है ना या भूल गए हैं? तो बच्चे कहते हैं मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करे या नहीं करे, जल्दी करे, धीरे से करे, तो मैं क्या करूं? बाबा कितना सुंदर बच्चों से रिहान कर रहे हैं। प्रकृति पूछती है तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो, तो थोड़ा इंतजार करें। फिर बाबा बोलते हैं यह तो ठीक जवाब नहीं है, अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। फिर किसी ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। फिर बाबा बोलते हैं टाइम पर पहुंच तो गए, यह हिम्मत की बात है, जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए, सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी
सोच में पड़ जाते हैं, क्या करे, ऐसे करे, नहीं करे, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो हाँ या ना, यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर हो, तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो, बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है, कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। बाबा कितना बार बार पूछ रहे हैं, तो पांडवों को सेकंड लगता है, फिर पांडव आंसर कर रहे हैं कभी कभी, तो पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है, तो शक्तियां जवाब दे रही है सेकंड लगता है, तो बाबा कह रहे हैं शक्तियों में शक्ति है। फिर पांडव बात कर रहे हैं कि पांडव सच बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। तो बाबा कितना सुंदर तरीके से बच्चों से बातें कर रहे हैं, बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, तो नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। तो बाबा सभी बच्चों को, दूर हो या पास हो, सभी को देख रहे हैं। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा पूछते हैं, दिवाली मना ली? संगम युग है ही मनाने का युग, चाहे अंतर्मुखी हो, अतींद्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रूहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है, गवाने का समय समाप्त हो गया, गवाने का युग तो नहीं है ना? बाबा पूछ रहे हैं, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता है तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है, इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, स्टॉप, गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं है, कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब, फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना, प्रत्यक्ष जीवन में आए, ज्ञान सुनाना और सुनना, यह फर्स्ट स्टेज है,
लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना? तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। फिर कुमारियों से बाबा बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुमारिया नॉलेजफुल बनने वाली है ना? सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया, कर लिया, कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया है, सोच लिया या वहां जाके सोचेंगी? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारिया ट्रेनिंग कर रही है वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? बाबा पूछ रहे हैं। तो किसी ने जवाब दिया 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती है, वह हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे है। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना? फिर बाबा पूछते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना? अच्छा है, कुमारिया है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। शिव बाबा वर तो बहुत प्यारा वर मिला है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, आप सबके देश विदेश की मीटिंग्स का समाचार बाप दादा के पास पहुंचा। इस वर्ष में चाहे देश में चाहे विदेश में, देश में कॉन्फ्रेंसेस स्नेह मिलन ज्यादा हुए हैं और विदेश में भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि सेवा में लगन भी है और सेवा की गति में तीव्रता भी है, दोनों है। समय अनुसार हर प्रोजेक्ट या कॉन्फ्रेंस या स्नेह मिलन को हो, कोई भी प्रोग्राम जो भी चलता है उसमें सिर्फ समय प्रमाण टॉपिक को उसी रूप से रखना जरूरी है। क्योंकि जिस समय किसको पानी की प्यास है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं, जिस समय किसको पानी की प्यास है और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो वह स्वीकार करेगा। तो प्रोजेक्ट कोई भी है, टॉपिक कोई भी है, लेकिन इस समय सर्व आत्माओं को चाहिए शांति और स्नेह। शांति के भी प्यासी है तो स्नेह के भी प्यासी है, तो अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो भी प्लान बनाए हैं वह अच्छे बनाए हैं, जो चल रहे हैं वह अच्छे चल रहे हैं। रिजल्ट भी है और हिम्मत भी है। इसलिए बाप दादा सेवा के समाचार सुनते हर्षित होते हैं। और गीत कौन सा गाते हैं बाप दादा? गीत गाते हैं कौन सा, पूछ रहे? वाह बच्चे वाह। और इस समय प्रोग्राम्स तो चलने ही है, प्रोग्राम्स को नहीं रोकना है। समय के सरकमस्टेंस प्रोग्राम को रोकते हैं तो रोके, लेकिन आप नहीं प्रोग्राम्स रोक सकते हो।
अच्छा, अगर मानो कोई प्रोग्राम्स रखते हो और समस्या बदल जाती है, तो प्रोग्राम में आने वाले भी समझते हैं, जाने वाले भी समझते हैं, आप क्यों ना करो? दाता के बच्चे हैं ना, तो आप देने में, प्रोग्राम करने में ना नहीं कर सकते हो। आओ, भले आओ, खुशी से आओ, स्वागत करेंगे। जब सरकमस्टेंस होंगे, परिस्थितियां होंगी, तो सरकमस्टेंस ही उन्हों को रोके, आप नहीं रोको। अभी भी देखो, अमेरिका के पीस विलेज में हंगामा होते हुए भी अमेरिका में भी प्रोग्राम चल रहे हैं ना, और बहुत अच्छे चले हैं। रुके रुके हैं, नहीं रुके हैं ना, तो बाबा यहाँ पे जो भी परिस्थिति आती है उनके बारे में बता रहे हैं। अभी 4 तारीख तक जो भी प्रोग्राम आपने बनाए, वह कोई रुका है? बॉम्ब्स भी चल रहे हैं, चलने दो, लड़ाई तो चल रही है ना। सुनते रहो, अच्छा है। सुनने से आप सब ब्राह्मणों के जो विशेष संस्कार व स्वभाव है, रहमदिल, मर्सीफुल के वह इमर्ज होंगे, और होना ही जरूरी है। इस समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है ये। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहमदिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ, तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना, तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना कुमारिया, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना, विचारों की अंजलि भी नहीं देंगे तो कितना तड़फेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंच हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहमदिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है? बच्चे अलबेले हो जाते हैं, तो बाबा वो वर्णन कर रहे हैं कि बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी रहम दिल कब तक? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है, आखिर कब तक? अभी बाबा प्रकृति और समय की बात कर रहे हैं। प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है,
शिक्षक और सद्गुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। बाबा सावधान भी कर रहे हैं, क्षमा के सागर का पार चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पार चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पार्ट में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों से गूंजे। फिर बाप को उलाना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना, इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है, नहीं जमा होता जाता है, दुगुना तिगुना सौ गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। कितनी सावधानियां बाबा दे रहे हैं आज के मुरली में। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ, हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है? हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बनने, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन, अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो, सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है, और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे, तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है? प्लान मिला? अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे, कितनों को बाप क्षमा के परवाने बनाए। चलो चक्कर तो लगाए, स्वाहा नहीं हो, बाबा बाबा का चक्कर तो लगाए। अच्छा कुमारिया ठीक है ना? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बाप दादा को मिलते रहते हैं, वह बच्चे लिखना शुरू करते हैं और बाप के पास पहले ही पहुंच जाता है। दिल का आवाज है ना, यह तो हाथों से लिखते हैं, लेकिन पहले दिल का आवाज दिलाराम के पास पहुंच जाता है। यह भी अच्छा है, बाप दादा की याद तो आती है ना। बाबा बहुत खुश है, समाचार लिखने के टाइम कितनी खुशी होती है। तो बाप दादा जिन्होंने भी पत्र ईमेल किसी भी साधन द्वारा याद प्यार या समाचार भेजा है, उन सभी को एक एक को नाम सहित स्पेशल याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। आप सब तो सम्मुख दे रहे हो ना, उन्हों को देना पड़ेगा ना, तो सभी को चारों ओर के बच्चों को
दिवाली की मुबारक भी दे रहे हैं। कौन सी दिवाली मनानी है यह तो सुना ही दिया। अच्छा, चारों ओर के बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहमदिल बन दाता बन हर आत्मा को चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले सकाश देने वाले ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति लतिका सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए ओम भाई। हाँ थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि इस समय आप हर एक को आत्मा प्रतीत रहम दिल और उदाता बन कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि बाबा ने हमें सर्व खजाने बेहद के खजाने दिए हैं, ज्ञान गुण शक्तियां संकल्प समय। तो बाबा कह रहे हैं कि अब जो समय है अनुभूति स्वरूप का अनुभव कराओ। जैसे बाबा कहते हैं कि ज्ञान का ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, तो नॉलेज तो सबको मिल गई, लेकिन अब नॉलेजफुल बनो। नॉलेज क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है माइट है कहते हैं बाबा, लेकिन ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है कि हमारे संकल्प में बोल में कर्म में लाइट और माइट हो, तब कहेंगे नॉलेजफुल। तो बाबा कह रहे हैं अभी सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन अनुभूति स्वरूप कि हम नॉलेजफुल हैं उसका अनुभव दूसरी आत्माओं को कराओ। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए भाई। बोलिए बहन बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा कि आज मिलन की घड़ी, जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान उसको मिलेगा और सहज मिलेगा। उसके लिए बाबा ने एक शर्त बताई है कि इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, तो और दिल से कष्ट नहीं होना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ब्राह्मणों के विशेष संस्कार की बात की है। जो दो विशेष संस्कार बताए बाबा ने, रहमदिल और मर्सीफुल, कि उस समय की बात बाबा ने बोली है जब अमेरिका की पीस विलेज में हंगामा था, तो लड़ाई चल रही थी। तो बाबा कहते मेरे बच्चे कितने रहमदिल हैं और कितने मर्सीफुल हैं, जो इन आत्माओं को दुख के समय में अपनी शुभ भावनाएं रहमदिल बन उनको मनसा वाचा कर्मणा से उनकी
सेवा करें। और फिर बाबा ने कहा कि इस समय उनको स्नेह की जरूरत है, तो स्नेह भी दो आप उन बच्चों को, तो वृद्धि भी आपकी शुद्ध शुभ भावना से भरी हुई हो, स्नेह और शांति दो उनको चाहिए, तो वो किरणें आप फैलाओ। तो बाबा ने कहा तुम मेरे राइट हैंड हो, तो राइट हैंड बच्चों का बाबा ने निशानी बताई कि विराट स्वरूप का चित्र जो है वो तुम्हारा यादगार है। तो हमेशा हम ब्राह्मण क्या है, बाबा के राइट हैंड, तो इस बात का नशा हमें रहना चाहिए। और हमें अपने संस्कार और स्वभाव को याद रखना है कि हमें रहम दिल और मर्सीफुल बन उन दुखी अशांत आत्माओं को शांति और स्नेह का दान देना है। ओम शांति। बोलिए भाई, बोलिए शांति। आज बाबन का जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में सुमन संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझकर चलने वाला होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप करो, गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं है, कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा, याद दिलाया बाबा ने हमें और अंडरलाइन करवाया कि बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए, तो बाप अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ हो जाता है। तो बाबा ने हमें फिर अंडरलाइन करवाया कि तो हमें सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, इस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखना है, क्योंकि माया कोशिश करती है ऑफ करने की और सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। तो हमेशा अटेंशन हमें रखना है कि हमारा जो कैचिंग पावर है, हमारे जो टचिंग है, वो हमेशा उसका स्विच जो ऑन रहे। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग है ये मनाने का युग, चाहे अंतर्मुखी हो, अतेंद्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बना, आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। सच्ची दिल पर साहिब राजी, संसार से संसार परिवर्तन कराओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बोला है अगर राज जानता है तो वो कभी भी अपने स्वर्ग स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल तिकत नहीं होगा, और संकल्प में भी, वृत्ति में भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप का, बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज किए। ओम शांति। आज बाबा ने खास कुमारियों के लिए कहा कि कुमारियों को अपना निर्णय लेने लगी। बाबा कहते कि कितनी कुमारियां आ गई, 80%, कोई कितनी सेंटर संभाल रही है। आज बाबा ने कुमारियों को बहुत याद किया। बाबा ने कुमारियों से पूछा आपका हालचाल क्या है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अभी अनुभूति स्वरूप बन, अनुभव कराओ, अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। ओम शांति। ओम शांति। सो बाबा ने दिवाली मनाने का अर्थ बताया है। संगम युग पर हम मनाना है, गवाना नहीं है। कैसे मनाना है, बाबा ने कहा चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन, आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूरिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया। सो बाबा हर बच्चे के साथ यही चाहता है, सदा हम मनाना है, है ना। संगम युग मनाने का युग है, गवाने का युग नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा
सेकेंड में गवाने का बिंदी लगाओ, स्टॉप करो, गवाना नहीं है ना, एक संकल्प ही गवाना नहीं। सो अभी प्राप्ति करने का टाइम है, कमाने का टाइम है, हम गवाना नहीं, इस बात का अंडरलाइन कराइए बाबा ने। सो हम सभी यही आज होमवर्क ले सकते हैं, आज पूरे दिन में हम मनाना है, गवाना नहीं है। अच्छा लतिका बहन जी, आप हमें योग कराएंगे 2-3 मिनट। जी दीदी। ओम शांति। अपने आत्मिक स्वरूप में सभी स्थित हो जाए। मैं आत्मा, छोटा सा बिंदु, छोटा सा सितारा, अशरीरी होके अपने फरिश्ते स्वरूप में उड़ चले सूक्ष्म वतन में, जहां बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा जाता हूँ। कितना सुकून, कितनी शांति का अनुभव है। सूक्ष्म वतन में अनेक दीपक जगमगा रहे हैं, उनमें कुछ दीपक बहुत चमचमाते और उनकी रोशनी सारे विश्व को रोशन कर रही है। बाबा मेरा हाथ पकड़कर उन दीपकों के नजदीक ले जाते हैं और जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूँ, देखता हूँ वो सब दीपक एडवांस पार्टी की वो आत्माएं हैं जो आज अपने दीपराज से मिलने के लिए सूक्ष्म वतन में पहुंच गई है। चैतन्य दीपकों का अपने दीपराज से मिलन का नजारा आज बाबा मुझे दिखा रहे हैं। अनुभव करे उस दृश्य को। मम्मा, बाबा, सभी वरिष्ठ यज्ञवश एक दूसरे से रूहानी दृष्टि से मिलन मना रहे हैं। वहां मेरी जान की दादी गुलजार दादी भी दिखाई दे रही है। हर एक एडवांस पार्टी की आत्मा अपनी तपस्या से कितना चमक रही है। बाप समान बनने के लिए इन आत्माओं ने कितना पुरुषार्थ किया था। हर एक आत्मा ने अपना समय, श्वास, संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गवाया, इसलिए आज इनकी ज्योति विश्व को रोशन कर रही है। सारे विश्व के कल्याण के निमित्त ये आत्माएं बनी है और इनको देख बाबा मुझे इशारा दे रहे हैं, मीठे बच्चे अब आपको भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। आप तो मेरे लाडले बच्चे हो, बाबा की आप में बहुत आश है। मेरे लाडले बच्चे, बाबा ने खुद आपको चुना है क्योंकि बाबा जानता है आप सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। बच्चे आप विश्व कल्याणकारी हो, बाबा की लाडली संतान हो, इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के ज्ञान को निश्चय से फॉलो किया, ऐसी ही जिम्मेवारी बाबा आप पर भी डाल रहा है। हाँ जी बाबा, आज के इस रूहानी अलौकिक दिन पर आपने मुझे ये सुंदर दृश्य दिखाया, मुझे पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मैं आपकी आशाओं को जरूर पूर्ण करूंगी। बाबा मुस्कुरा के दृष्टि द्वारा
मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, पुरुषार्थ के लिए मुझ में शक्ति भर रहे हैं। सभी एडवांस पार्टी की आत्माएं बाबा के साथ खड़ी है और मुझे दृष्टि दे रही है। उसी वरदानों से, दृष्टि से भरपूर होके बाबा को और सभी वरिष्ठ दादियां, दीदियां और भाई बहनों को मैं दिल से दिवाली की शुभकामना देती हूँ। वरदानों से भरपूर हो रही हूँ और मैं फरिश्ता फिर से आ जाती हूँ स्थूल वतन में, आ जाए फिर से अपने देह की स्थिति में, और सभी को दिल से शुभकामना दे, सभी का हर दिन दिवाली हो, सभी का हर समय हर क्षण दिवाली हो, हर एक आत्मा परमात्मा प्यार से, परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा पवित्रता से भरपूर हो, सभी को अपने पिता का परिचय मिले। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। लतिका सिस्टर, आप सबको हैप्पी दिवाली। आप हैप्पी दिवाली। ओम शांति। दीदी आप सबको ओम शांति। ऑल द ओम शांति। हैप्पी दिवाली टू ऑल। दिवाली हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली। ओम शांति।